प्रिक करना है और फिर उसमें धागा बांध दे, ये कर्ण वेदन। श्वास में भी काम करते हैं, मूत्र कोश में भी काम करते हैं, हाइड्रोसिल वो वृद्धि में भी काम करता है, और वो एबीसीडी क्या थी वो पीसीओडी उसमें भी काम। हींग जो आपको फेवरेट है, उष्ण तीक्ष्ण है, हाँ, लेकिन वो वातानुलोमन है, शूल हरण है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं और निर्यास है, इसलिए वो सत्व को भी बढ़ाती है। हींग मेरा फेवरेट ऐसा कहां से जान गए, इंग्लिश तक डेफिनेटली मैं बहुत यूज करूँ, और ब्रज वस्त्र का उपयोग, हाँ सरस्तर कोटी ब्रज का यूज करते, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है, पेशेंट एफोर्ड नहीं कर पाता, और फिर मार्जिन की तो देखना होता है, सिर्फ पेशेंट नहीं अपना जेब भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन शुंगरा व्रत अच्छा रहता है, तक्र में अग्निबल, हाँ तक्र में अग्निबल डाल के भी दे सकते हैं, लेकिन तक्र ही अग्निबल से बनाओ और फिर अग्निबल डाल के तक्र में अग्निबल डाल के या दूध में अग्निबल डाल के तक्र बनाओ और उस तक्र को अग्निबल के साथ दो, डोज ऑफ माखी भस्म, वो तो भस्म के जो डोज होते हैं उसी तरह हमारे यहाँ वो चंत्राश, हाँ चंत्राश वो एक बार शोधन अच्छी तरह से हो जाए, फिर वो जो मैंने स्वर्ण का बोले ना उसको चंत्राश के साथ दे सकते, ये रंजदास ये क्या है, वो चंत्राश को वो स्वर्ण कल्प के साथ रसायन के लिए दे सकते हैं। कुछ एक पेशेंट को मैं सिर्फ कुटी प्रवेश करके सिर्फ च्यवनप्राश ही खिलाता हूँ 21 दिन तक, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम दोपहर 100 ग्राम शाम, लेकिन ऐसे तो बहुत, हाँ हीरक भस्म ये लंग कैंसर में यूज करते हैं। पीसीओडी में कौन सा ग्रुप, फल ग्रुप क्या यार, ये फल ग्रुप है भास्कर कैंसर पर बोल के, अरे भाई वो तो मुझे नहीं पता, मुझे वो टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब कोरिलेशन करूं, क्योंकि मुझे शुरुंग भस्म उपयोग हुई पार्श्व शूल में, प्लोरसी प्लोरल एक्सक्रीशन उसमें शुरुंग भस्म का लेप भी करते हैं खिलाते भी हैं, क्या बताएं आप मृग श्रृंग देखो, उसका कहीं पिक्चर नेट पर देखो और फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी को भी फोटो देखो, दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट मैच कर, इसलिए श्रृंग गॉलस्टोन में यार वो नहीं आता मेरे को, गॉलस्टोन दूर करना मेरे को नहीं आता है, लेकिन गॉल सब शोधन गॉलस्टोन ने पेन दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी अनुभव युक्त औषधि वो मैं आपको बताता हूँ, नवसागर उसका पानी में कॉन्सेंट्रेटेड द्रावण बनाइए, उसमें एक हैंडकरचीफ डुबो के उसकी ऐसा पट्टा बना के गॉल ब्लैडर के एरिया में उसको बिछा दीजिए, 10 ही मिनट में पेन कम हो जाता है। अग्निबल भाई चित्रकारी का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है, अगर आप नहीं पा सकते अग्निबल तो चित्रकारी है उससे, लेकिन अग्निबल मिलती है हर जगह पर। थैंक यू सर, ओके वेलकम। ये सर रोगी की नाड़ी में भी माउथ कैंसर का विवरण करें, माउथ कैंसर में अदरक नित्यानंद और तैलगंड जिसके भी मुंह में व्रण हो गए हैं या तो मुंह के बाहर बड़े बड़े ग्रोथ होके रप्चर हो जाते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, उसमें सुश्रुत ने बताया है विद्रति या नाड़ी उसके प्रकरण में, वो मैं हमारे यहाँ यूज होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है किसी भी व्रण के रोपण के लिए।
ये नाड़ी परीक्षा के लेक्चर, लेक्चर से क्या होगा, वो वन टू वन ही हो सकता है, प्लीज ले तो सकता हूँ, मुझे कोई अर्जा नहीं, मैंने लिए भी हैं दो चार लेक्चर, लेकिन उसका फ्रूट, उसका क्या बोलते हैं, आउटकम ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये बिल्कुल निजी प्राइवेट अफेयर है, हाँ वो सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर और वल्वा का कैंसर, मगर प्रदेश का कैंसर हाँ, ये रेडियोथेरेपी जो कैंसर में सर्वाइकल या वेजाइनल या वल्वल या रेक्टल या ब्लैडर कैंसर में जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें फिशुला हो जाती है, वो फिशुला ना हो उसके लिए एरन पिचू वेजाइना में या रेक्टम में रखा जाता है, ब्लैडर में तो नहीं रखा जाता, ये दोनों में रख के फिर रेडियोथेरेपी ले तो फिशुला होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अरे करीब कल्याण ग्रुप और कैंसर एक्सपीरियंस, मेरे को कोई एक्सपीरियंस कल्याण ग्रुप से नहीं, रोगी मैंने कल्याण ग्रुप कभी यूज नहीं किया, कई लोग यूज करते हैं हमारे नासिक के कोई प्रवीण देशमुख के, वो कल्याण ग्रुप का अच्छा काम करते हैं, उनके रिजल्ट हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस बी हमको तो वो पेशेंट के सिम्टम को ही देख के ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, हेपेटाइटिस बी वैसे भी लंबा चलने वाला है, उसमें भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट अच्छी रहती, पेशेंट्स आर हैप्पी, पीपल आर नॉट हैप्पी, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर, वो पैंक्रियाटिक कैंसर सब भी यही पैंक्रियाटिक में बोले वसंत कुसुमाकर के साथ नवसागर, वसंत कुसुमाकर के साथ नवसागर, फिर वो प्रकृति अग्नि कोष वो सब के साथ में देखो तो पेंक्रियास का कैंसर भी कम हो जाता है, पेंक्रियास के हेड का कैंसर ठीक होता है, तेल ठीक मीन अच्छा होता है, तेल में तो कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो पर ओज का स्थान है, अपने को नहीं मालूम, किडनी कैंसर तो क्या है, एंटी कैंसर मेडिसिन क्यों बोला ना, सरस भद्रावती वीर तरवादी क्वाद और वो शादी गुगल कोलन कैंसर में मारा बहुत कम टाइम में लिए रहता है, मैं नहीं कर पाता ना, सभी हिंदी शब्दों के हिंदी विष्णु बोलते हैं, हाँ विष्णु सहस्रनाम सभी में, ये ज्वर की ट्रीटमेंट चिकित्सा है, कितनी जो ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्रनाम है, और हमारे लिए कोई भी अननोन रोग ज्वर ही है, जो रोग की कि कोई ट्रीटमेंट ना आए उसको ज्वर की ठीक हो जाएगा, विष्णु सहस्त्र नाम कैंसर धातु, हाँ वो धातु प्रदूषण ही भी रोग है, रोगाधिकार अगर मानना है तो कैंसर को धातु प्रदूषण विकार है, ये क्या बोलते हैं किंचित दोष प्रसन्न किंचित धातु प्रसन्न प्रदूषण स्वस्थ उत्तरतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मत, वो जो धातु प्रदूषण है ना वो कैंसर के सभी रोग धातुओं में ही गड़बड़ कर, धातुओं के व्यूहन जो वायु करता है व्यूहन पढ़ाई कहाँ से, आयुर्वेद पढ़ने की चीज नहीं है, आयुर्वेद अनुभूति है, संहिता पढ़ने की चीज, इतनी समझ समझ किस करनी है, हाँ जी हाँ श्वसन अकेले नहीं उसको अलग नहीं छोड़ सकते आप, उसको तो जाफड़ पढ़नी ही चाहिए दिन में चार बार, साथ में शोधन करना है, वरना आप शोधन करो तब तक तो कहां से कहां निकल गया हो, वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए उसको जाफड़ हर रोज दिन में चार बार पढ़ती रहनी चाहिए औषधों की, उसके साथ में
शोधन और शमन साथ में, या अभिर क्रिया फिर जयंते शरीर मथा चिकित्सा से विकारण तत्कर्म पहचान सुख, ये प्रिंसिपल होता है। फिर भी ये जब ये संचय प्रकोप प्रसर पूरा शरीर तृप्त संतृप्त हो जाता है, फिर जाके वो सबसे कम आशय में, कम शिथिल आशय में जाके स्थान संशय करता है। इसलिए अगर आपने आशय निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं एक गिलास पानी में आप एक चम्मच चीनी डालो और हिलाओ तो भूल जाएगी, दूसरी तीसरी चौथी चार चमची डालोगे तब तक भूल जाएगी, पांचवी चमची डालोगे तो एक चमची नीचे सेडिमेंट। तो अगर ये कैंसर यूट्रस में सेडिमेंट हुआ, इसका मतलब कि वो छठी चमची आपने यूट्रस निकल दिया तो एक चमची कम हो गई, लेकिन अभी पांच चमची शरीर में बाकी है। इसलिए वो अगर नहीं निकाला, उसका शोधन नहीं किया, वो विकृत धातुओं का निकाल, अप्रशस्त धातुओं का निकाला नहीं, फिर वो दोबारा होगा और पुनर्भव नहीं रहे। पर इतना करने के बाद भी वो थोड़े बहुत रह जाते हैं और वो परेशान करते ही हैं पेशेंट, रिपोर्ट में आते हैं। पेशेंट सभी हैं लेकिन रिपोर्ट में वो ये तो आगे बढ़ा, अभी बोन में गया, अभी लीवर में गया, अभी ये गया वो गया, बोलते ही रहते हैं, लेकिन पेशेंट सारे अभी भी था उसके ट्रीटमेंट एंड हॉर्सनेस। उसके लिए मैंने बोला ना ये कास्मत का आत्मत के साथ खदीर आदि ये वो आपने बताए तीन प्रकार के पेशेंट। रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण मैंने कुछ कभी ज्यादा किया नहीं है। रक्तमोक्षण में हमेशा दो तीन जगह पर करता हूँ, वाइस कैंसर को कॉमन ना हो जाए प्रज्ञापराध अधर्म अभी नहीं होगा, अब कैंसर कम होगा कि कोरोना के कारण हमने प्रज्ञापराध कम कर दिए हैं, अधर्म कम कर दिए हैं, पॉल्यूशन कम कर दिया है और घर का माँ का बीबी का बहन का हाथ का खाना शुरू किया है, इसलिए अब अधर्म कम हो गया है तो कैंसर भी कम होगा। हरिद्रा और अष्टवर्ग का उपयोग, हरिद्रा हाँ हरिद्रा ये लेरिंजल कार्सिनोमा के लिए अच्छी रहती है। फिर पायरिफॉर्म पोसा है, जीबी सल्कस है, कॉन्सिल है, करीम्स है, वॉइस बॉक्स है, ये सभी जगह के लिए हरिद्रा का। अब चूर्णन लेपन खाना दूध में डाल के वो जो गोल्डन मिल्क बोलते हैं वो सब अच्छा रहता है। लेकिन 21 दिन का सेशन रिपीट, हाँ वो 3 महीने देने पड़ते हैं फिर बाद में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन खास मेरे को करना रिपीट जरूर नहीं पड़ा क्योंकि 3 महीने के बाद तो मैं वो धातुओं का अध्ययन वाला चीज करता, इसलिए वो 72 और ऐसा कुछ दिन चलता है। वो प्रतिलोम और अनुलोम दोनों करता हूँ, कुछ वैद्य दुर्गर क्या दुर्गर व्याधि कहते हैं इसको, हाँ है तो दुर्गर, दुर्गर का है का अर्थ विद्या वैशो हानि उपक्रोशम संग्रह, ये सब की तैयारी रख के ही काम करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन आयुर्वेद और ऑन्कोलॉजिस्ट इन होमियोपैथी इज नेवर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दिस इज अ थंब रूल। दुग्धाह हाँ वो जलोदरी के लिए जब वो दो चार स्रोतस एक साथ इन्वॉल्व होके जलोदर हो जाता है उदक और स्रोतस की प्रचंड दृष्टि होके, तो उसमें फिर उष्ट्र शीर उष्ट्री उष्ट्र का त्याग रखती है, ऊंटनी के दूध को रखता हूँ, ऊंटनी के दूध पर 2-3 लीटर हर रोज सुबह दुबह शाम पीना है, पानी भी नहीं पीना है, आराम करना है, दवाइयां सब चालू रखी। शुरू सर्जन भी अवॉइड नहीं 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 वो शस्त्र साध्य है तो शस्त्र साध्य शस्त्र कर्म शस्त्र प्रणिधान करना पड़ेगा,
दैव उपासना युक्ति उपासना और शास्त्र प्रणिधान त्रिविधम, वो हमको पता होना चाहिए कि श्रोतो विद के लक्षण मिले तो फिर वो शास्त्र कहते हैं, श्रोतो दृष्टि के लक्षण मिले तब तक वो युक्ति उपासना और दैव उपासना सांते है तत्व अवजय सांते, लेकिन श्रोतो विद के लक्षण मिलना शुरू हो जाए फिर वो शास्त्र करना साध्य होता है, उसको रिफर करना। हमको ये पता कि आप कौन सा रसायन लेते हैं, अरे तेरी दुकान बंद करवाओगे। मैं सच में मंत्र रसायन करता, संहिताओं के साथ इश्क करता, वही मेरा रसायन है, वही मेरा सब कुछ है, जिसको जिसकी हिफाजत हवा करे उस दिए को कौन आंधी बुझा सके, मेरी हिफाजत दृढ़ करे फिर मेरे को पीछे, लेकिन थैंक यू लव यू डियर, नमस्ते क्या था, थैंक यू सर, हाँ क्वालिफिकेशन सर की वो क्या होता, ये नए शब्द बहुत ले आते हैं, धन्यवाद सर जी, नमस्कार, धन्यवाद, शोधन ट्रीटमेंट हाँ करना चाहिए, अच्छा लगा, थैंक यू, बस वही तो करना था, इतना लंबा सेशन, प्रणाम, इतना लंबा सेशन तुम्हें लिया है नहीं।